दोस्तों आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि ये एफिलिएट कमीशन है अमेज़न का, और ये 2017 से मैं दिखा रहा हूं, तब से ये चल रहा है। और मैं आपको दिखा देता हूं, ये पूरा आप देख सकते हैं कमीशन जो रिलीज होता है, बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि कहीं कहीं एफिलिएट लिंक डाल देते हैं, वहां से कमीशन आता रहता है, पैसिव इनकम आता रहता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2018, 2019, 2021, 2022 सारा चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंडिंग अनपेड अमाउंट है 954। तो आप अमेज़न से कमीशन कमा सकते हैं अच्छा खासा, अगर आप उस पर सीरियसली काम करते हैं, जो मैं बताने वाला हूँ उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसानी से, विदाउट आपको कोई कंटेंट नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसानी से इसको इम्प्लीमेंट करके मनी अर्न कर सकते हैं। तो वीडियो बने रहें, शुरू से अंत तक देखें, कहीं भी स्किप ना करें और मनी अर्न करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज विजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल सिमसॉस, लर्न बिफोर इम्प्लीमेंट। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी क्लिक कर दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको समझाते हैं कि क्या पूरा प्रोसेस है, क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने अमेज़न खोल रखा है और अमेज़न पे आप बहुत सारे नीच फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिसको आप देख सकते हैं, जिसपे कि आप अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे आपको अमेज़न बेस्ट सेलर खोल रखा है। जैसे आप अमेज़न पे जाते हैं, यहाँ पे आपको बेस्ट सेलर दिख जाता है, बेस्ट सेलर पर क्लिक करेंगे तो अभी जो बेस्ट सेलर है अमेज़न का, जो सबसे ज्यादा सेल हो रहा है हर एक कैटेगरी में, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ नीचे और यहाँ पे मैंने कैटेगरी चूज किया था, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, गार्डन एंड आउटडोर्स, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे सब कैटेगरी होंगे, वो सब कैटेगरी भी आपको दिख जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकयार्ड बर्डिंग सप्लाइज, बैकयार्ड लाइफ स्टॉक एंड बी केयर, बारबेक्यू एंड आउटडोर डाइनिंग। तो ये बारबेक्यू एंड आउटडोर डाइनिंग, ठीक है, बारबेक्यू आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। तो मैंने इसी कैटेगरी में सर्च किया कि कौन सा कीवर्ड है जिसपे कि आप टारगेट कर सकते हैं, जो लॉन्ग टेल कीवर्ड हो, जिसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन भी ना हो, और अगर आप उस पर काम करते हैं तो आपकी रैंकिंग आ जाए और आप वहां से सेल जनरेट कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कौन सा कीवर्ड है हमारा, बारबेक्यू, ठीक है। अब बारबेक्यू को आप सर्च करेंगे कीवर्ड टूल में, तो चलिए कीवर्ड टूल में आपको बता देता हूं मैंने सर्च किया था। चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे कीवर्ड टूल को फाइंड आउट करना और कैसे उस पर सर्च करना है। यहां पे आप गूगल पे आ जाएंगे, google.com, वहां पे आप सर्च करेंगे फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल एआई पावर्ड, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल एआई पावर्ड, सबसे पहले आपको जो रिजल्ट दिख रहा है उसको आप ओपन कर लेंगे और यहीं पे हम सर्च करते हैं हमारा जो कीवर्ड है बारबेक्यू, बारबेक्यू, ठीक है। यहां पे मैंने सर्च किया और आपको यहां पे बहुत सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। नीचे आप देख सकते हैं बारबेक्यू, बारबेक्यू चिकन, बारबेक्यू नियर मी, बारबेक्यू रेस्टोरेंट, ठीक है। बट यहाँ पे बहुत सारा वैसा कीवर्ड कोई दिख नहीं रहा, तो इसमें मैं कुछ और ऐड कर देता हूँ, बारबेक्यू आइटम मैं कर देता हूँ, लेट्स सी उसमें क्या आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बारबेक्यू आइटम्स, बेस्ट थिंग फॉर बारबेक्यू, ठीक है। यहाँ पे एक कीवर्ड आपको मिलता है, देख सकते हैं आप, साइड डिशेज टू बारबेक्यू बीबीक्यू, ठीक है। ये आप देख सकते हैं लो डिफिकल्टी है, वॉल्यूम इसका 12.1K है, मतलब कि अच्छा खासा सर्च है इसका, ठीक है। गूगल में आप इसको टारगेट कर सकते हैं, साइड डिशेज टू बीबीक्यू, ठीक है। अब इसको मैं अगर सर्च करूं अमेज़न पे, चलिए हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है मैं देख लेता हूं, साइड डिशेज टू बीबीक्यू में आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे चल के क्या क्या प्रोडक्ट्स है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कुकबुक्स है, उसके अलावा आपको और भी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। चलिए मैं नीचे चलता हूँ यहाँ पे, तो बेसिकली जो है वो बीबीक्यू से रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। साइड डिशेज ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे और भी कीवर्ड्स ट्राई कर सकते हैं जो कि आप उसके साथ डाल सकते हैं। जैसे कि तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड डिशेज फूड मैंने सर्च किया है जो कि बारबेक्यू के साथ जा सकता है, तो वहाँ पे आप देख पाएंगे कि नीचे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। जैसे कि ये है न्यू किमची, किमची, ठीक है। आप यहाँ पे बीशेफ जैन किमची देख सकते हैं, उसके अलावा आप यहाँ पे और भी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, पेपर चिकन। तो ये सब प्रोडक्ट्स आप टारगेट कर सकते हैं अपने आर्टिकल में, ठीक है। तो आपने कीवर्ड निकालना सीख लिया कि कहाँ से आप कीवर्ड निकालेंगे, फ्री कीवर्ड टूल जो है वहां से आप कीवर्ड ले लेंगे और वहां पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। बेस्ट सेलर में जाने के बाद आपके पास जो भी
कैटेगरी है, मैंने बारबेक्यू को सर्च किया था, आप बेस्ट सेलर में चले जाएं, वहां पे बहुत सारे कैटेगरीज आपको मिल जाएंगे। आप किसी भी कैटेगरी में जाएंगे उसका सब कैटेगरी आपको मिल जाएगा। जैसे मैं कार एंड मोटर बाइक में गया तो वहां पे आप कार पार्ट्स, कार एक्सेसरीज भी सर्च कर सकते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड मिल जाएंगे, उसको आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कीवर्ड आ चुका है, हमारे पास प्रोडक्ट आ चुका है, मैंने प्रोडक्ट भी सर्च कर लिया है। अब इसको कैसे ट्रैफिक लाना है, कैसे टारगेट करना है, वो हम अगले पार्ट में सीखेंगे। बट उससे पहले अगर आप घर बैठे अर्निंग करना चाहते हैं तो हमारा 3 घंटे का लाइव वर्कशॉप है जो कि 2D एनिमेशन का है। चलिए मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये 18 तारीख को है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 बजे शाम में 2D एनिमेशन कोर्स 3 आवर लाइव वर्कशॉप। इसको आप करके मोरल स्टोरीज बना सकते हैं, आप रैंक्स बना सकते हैं, फोनिक्स बना सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, क्लाइंट को सर्विसेज दे सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप सीख लेते हैं आप यहां से अपना यूट्यूब चैनल बना के अर्न कर सकते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं अर्न ऑनलाइन बाय कार्टून स्टोरीज वीडियो, और आप जो मोरल स्टोरीज बनाएंगे वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, चाहे आपके लोकल लैंग्वेज में भोजपुरी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पे, बच्चे बहुत देखते हैं और आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है, तो इसको मिस ना करें। लिंक मैंने, ये जो लिंक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से आप इनरोल कर सकते हैं। फर्दर इसका आप देखना चाहते हैं किस तरह का वीडियो आप बना सकते हैं तो नीचे जाएंगे, आपको यहाँ पे सैंपल वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना प्रोफेशनल क्वालिटी का आप 2D एनिमेशन बना सकते हैं। और नीचे जाएंगे तो आपको बहुत सारे टेस्टिमोनियल इंटरव्यूज मिल जाएंगे, और हमारे स्टूडेंट्स ने किस तरह के चैनल बनाए हैं वो आप यहाँ पे नीचे आके देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा, ये जो लिंक है यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो इसको मिस ना करें, घर बैठे ये अपॉर्चुनिटी है, कोई भी कर सकता है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट हो, बिगनर हो, घर बैठे इसको सीख सकता है 3 घंटे में और 2D एनिमेशन स्टार्ट कर सकता है। मैं फिर से बता देता हूँ, ये 18 तारीख को है, शाम के 4 बजे आप इसको यहाँ से इनरोल कर सकते हैं बहुत आसानी से। और दूसरी चीज़ कि अगर आप लाइव मिस कर जाते हैं तो इसका रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाता है, तो आप बाद में भी देख सकते हैं। इसका लिंक जो है, ये जो लिंक है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आज ही इनरोल करें। तो चलिए अब मैं फिर वापस वीडियो की तरफ आता हूँ और आपको बताता हूँ, ये जो आज का टॉपिक है हमारा ChatGPT प्लस अमेजन, दोनों को मिला के आप कैसे अर्निंग करेंगे। तो हमारा एक पार्ट कवर हो चुका है अमेज़न का, अब हम जाते हैं ChatGPT पे। ठीक है, अब हमारे पास कीवर्ड है, कौन सा कीवर्ड है हमारा, हमारा कीवर्ड है, चलिए मैं आपको बता देता हूं, साइड डिशेस टू BBQ। ठीक है, अब हमें इस पे ब्लॉग लिखना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे ChatGPT का। ठीक है, तो चलिए ChatGPT से हम ब्लॉग लिखते हैं, उसके बाद हम पोस्ट कहाँ करेंगे, ट्रैफिक कहाँ से लाएंगे वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, ब्लॉग लिखना, तो चलिए ब्लॉग लिखते हैं। आप यहाँ से कीवर्ड को कॉपी कर लेंगे और चले जाएंगे ChatGPT पे, यहाँ पे आप इसको ओपन कर ले, वहाँ पे साइनअप कर ले, बहुत आसानी से आप साइनअप कर पाएंगे। और यहाँ पे आप लिखेंगे राइट ब्लॉग पोस्ट फॉर, और आप देखेंगे कि आपका ब्लॉग पोस्ट तैयार हो रहा है। ये देखिए, बहुत आसानी से आप एक ऐसा ब्लॉग पोस्ट लिख लेंगे जिसको आपने कभी सोचा भी ना था। ठीक है, आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि ये ब्लॉग पोस्ट तैयार हो रहा है, ये तैयार हो जाएगा तो आप कहाँ पोस्ट करेंगे, चलिए मैं वो बता देता हूँ। हमारे पास 2 ट्रैफिक सोर्सेज जो कि बहुत बेहतरीन है, एक है vocal.media, आप यहाँ पर जाएंगे इसको vocal.media, चलिए मैं होम पेज पर चला जाता हूँ, ये देखिए ये है vocal.media। ठीक है, आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से आप साइनअप कर लेंगे, बहुत आसानी से साइनअप हो जाएगा। और दूसरा हमारा कौन सा है, दूसरा हमारा है medium.com, उस पर भी जाएंगे और आप आसानी से साइनअप कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे तैयार कर लिया अपना ब्लॉग पोस्ट, आप देख सकते हैं। ठीक है, और हमें इसके लिए क्या चाहिए, हमें इसके लिए चाहिए अपना एफिलिएट लिंक अमेज़न का, जिसको हम प्रमोट करेंगे, जो हम इस ब्लॉग में डालेंगे। तो चलिए हम एफिलिएट लिंक भी निकाल लेते हैं। अगर आप अमेज़न का एफिलिएट बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कैसे बनाना है, आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे अमेज़न एफिलिएट में साइनअप कर लेंगे, और जब आप साइनअप रहते हैं और आप अमेज़न का साइट खोलते हैं तो आपको यहाँ पे साइट स्ट्राइप आ जाता है। ठीक है, जिससे कि आप आसानी से टेक्स्ट लिंक किसी प्रोडक्ट का या किसी भी पेज का ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे जो हमारा साइड डिशेज था, जो कि बारबेक्यू का साइड डिशेज था, उसका अमेज़न का पेज खोलूंगा और उसका एफिलिएट लिंक पूरे पेज का ले लूंगा, एक प्रोडक्ट का नहीं, पूरे पेज का ले लूंगा, ताकि वहां से आप कोई भी प्रोडक्ट
आपका जो यूजर है उसको चूज कर सके और बाय कर सके। ठीक है, तो यहां पे मैं जाता हूं और हमारा जो पेज था, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, हमारा पेज था ये। ठीक है, साइड डिशेस का, इसको मैं ओपन करूंगा कंट्रोल सी, और ये हमारा लॉगिन यहाँ पे अमेजन एफिलिएट में यहाँ पे ओपन कर लूंगा। ये देखिए, और इसका एफिलिएट लिंक हमें कैसे मिलेगा, यहाँ से मैं टेक्स्ट करूंगा और इस पेज का मुझे एफिलिएट लिंक मिल गया है। चलिए मैं आपको दूसरे ब्राउजर में खोल के दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर खोल के देखता हूँ और इस एफिलिएट लिंक को ओपन करूंगा, देखता हूँ रिडायरेक्ट होता है या नहीं। आप देख सकते हैं ये रिडायरेक्ट हो चुका है और ये साइड डिशेस के पेज पे चला गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो ये हमारा एफिलिएट लिंक हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें पोस्टिंग करनी है, तो हम वापस जाएंगे अपना जो ब्लॉग सेक्शन है, जो ब्लॉग हमने लिखा है उसको लेंगे। ठीक है, और उसको एडिट प्लस में डाल लेंगे और यहां पे हम लास्ट में ऐड करेंगे यू कैन बाय ऑल द बारबेक्यू साइड डिशेज फ्रॉम हेयर। ठीक है, अब यहां पे हम डायरेक्ट अपना एफिलिएट लिंक नहीं डालेंगे, हम एक ब्रिज पेज बनाएंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे बायो डॉट लिंक पे। ये मैंने पहले भी बताया आपको, यहां पे आप लॉग इन कर लें और यहां पे आप लॉग इन करके यहां से आप ऐड करेंगे, तो जितना भी एडेड है उसको आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डिलीट कर देता हूं पहले, डिलीट, हमने यहाँ पे सबको डिलीट कर दिया। अब ऐड लिंक करेंगे और यहाँ पे टाइटल देंगे बाय साइड फूड्स, फूड फॉर बीबीक्यू। ठीक है, और यहाँ पे हम लिंक डाल देंगे अपना एफिलिएट लिंक जो है, तो ये हमारा एफिलिएट लिंक है, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, अब ये जो हमारा लिंक यहाँ पे शो हो रहा है, इस लिंक को हम ओपन करेंगे, यही हमें डालना है। ठीक है, तो इसको मैं देख सकते हैं आप, बाय साइड फूड फॉर बीबीक्यू, इसको यहां से कॉपी करके अपना जो हमारा आर्टिकल है वहां पे डाल देंगे इस तरह से, और ये जो हमारा तैयार हो गया है इसको हम पोस्ट करेंगे। पोस्ट कहां करेंगे, हम पोस्ट करेंगे सबसे पहले वोकल डॉट मीडिया पे, यहां पे हम जाएंगे क्रिएट स्टोरी, टाइटल गेट बेस्ट, हमारा कीवर्ड क्या था, चलिए कीवर्ड फिर से देख लेते हैं, साइड डिशेज टू बीबीक्यू। ठीक है, यहाँ पे हम डाल देंगे कॉपी करके, कॉपी डिशेज टू बीबीक्यू। ठीक है, सब टाइटल साइड फूड। ठीक है, अब हम नीचे चले जाते हैं, आपको इमेज अपलोड करना है तो आप यहाँ से इमेज भी ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से देख लेता हूँ इमेज, यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ बीबीक्यू साइड फूड्स। ठीक है, इमेजेस, आप यहाँ से इमेजेस ले सकते हैं, बट मैं ये सारे इमेजेस नहीं लूँगा, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, ये शॉपिंग में आगे इमेजेस में चला जाता हूँ और यहाँ से मोर टूल्स क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। ठीक है, अब ये सारे आप ले सकते हैं, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव इमेजेस, चलिए बीबीक्यू कर दूँ इसको मैं, ये सेव हो गया। अब मैं वापस जाऊँगा और यहाँ पे करूँगा अपलोड इमेज, सेलेक्ट अ फाइल, अब ये ले चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नीचे जाऊँगा, सम स्टार्ट राइटिंग, तो हमारा यहाँ पे रिटेन है, इसको मैं कॉपी करूंगा और इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये यहां पे आ चुका है और नीचे हमारा लिंक भी आ चुका है। अब मैं करूंगा सेव चेंजेस, यहां पे आप देख सकते हैं सारा मैंने कंप्लीट कर दिया है। मैं करूंगा सबमिट फॉर रिव्यू, सेलेक्ट कम्युनिटी, कम्युनिटी में मैं देख लेता हूँ मैं क्या है, जर्नल लॉन्गविटी मैरिज है, फोटोग्राफी, पोएट्स, प्राइड, मैं इसको फैमिलीज में डाल सकता हूँ, फैमिलीज,
बुक रिव्यूज एडवाइस, और यहाँ से मैं करूँगा सबमिट फॉर रिव्यू। ठीक है, आप देख सकते हैं थैंक्स फॉर योर सबमिशन, यहाँ पे सबमिट हो चुका। उसी तरह मीडियम में डालूंगा मैं, यहाँ से करूँगा राइट, टाइटल गेट द बेस्ट, और हमारे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको और यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, टेल योर स्टोरी, स्टोरी हमारे पास लिखा है, और यहाँ से पब्लिश। ठीक है, ऐड टॉपिक, ये है बीबीक्यू फूड आइटम, बीबीक्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं सजेस्ट कर रहा है फूड, और पब्लिश नाउ। तो इस तरह से हमने दोनों जगह पब्लिश कर दिया, यहाँ से ट्रैफिक आएगा और आपका सेल्स जनरेट होगा और आप वहाँ पे इनकम जनरेट करेंगे। तो बहुत आसान सा तरीका मैंने बता दिया है, चैट जीपीटी का यूज करते हुए अमेज़न से सेल करना, कैसे कीवर्ड फाइंड करना है, पूरा एक एक स्टेप समझा दिया है, आप समझ गए होंगे, इसको इंप्लीमेंट करेंगे और मनी अर्न करेंगे। और अगर कोई भी दिक्कत हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल कर सकते हैं। तो चलिए, अब एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में अगर आप और भी जानना चाहते हैं कि क्या होता है एफिलिएट मार्केटिंग, तो हमारा 3 डे का एफिलिएट मार्केटिंग वर्कशॉप है जो कि आपको इस वेबसाइट पे मिलेगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं, ये जो वेबसाइट है आप यहां पे देख रहे होंगे, एफिलिएट मार्केटिंग मंत्रा फ्री 3 डे वर्कशॉप, यहां पे ये फॉर्म आ जाएगा और यहां पे आप नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर डालेंगे, क्लिक करेंगे, गेट इंस्टेंट एक्सेस, आपके ईमेल पे 3 डे का वर्कशॉप आ जाएगा। ये जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से देखें, सीखें, इंप्लीमेंट करें और एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानें क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे आप इससे मनी अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा डिजिटल मार्केटिंग का वर्कशॉप है जो कि 5 डे का वर्कशॉप है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अपना करियर ग्रो करना चाहते हैं, जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप डिजिटल मार्केटिंग तरफ जा सकते हैं। बहुत ही आसान सेक्टर है, टेक्निकल स्किल्स के लिहाज से कोई टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए, कोई भी कर सकता है, घर बैठे सीख सकता है, बट हाँ टाइम देना होगा, थोड़ा मेहनत करना होगा। वहां पे बहुत सारे वर्टिकल्स हैं जो आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं या फिर आप घर बैठे भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अभी के टाइम में बहुत हॉट टॉपिक है क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन जा रही है और ऑनलाइन आपको ही काम करना है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू और आपको करियर बिल्ड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 डे का डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप है, जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, यहाँ भी आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, गेट इंस्टेंट एक्सेस, 5 डे का डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप आपके ईमेल पे आ जाएगा, वहां से आप डिजिटल मार्केटिंग में जान सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो मिस ना करें, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और जैसे मैंने पहले बताया था, हमारा 2D एनिमेशन का वर्कशॉप जो है, 2D एनिमेशन कोर्स, वो आपको 18 अप्रैल को है, 3 घंटे का लाइव वर्कशॉप 4 बजे से, मिस ना करें, इनरोल करें, चाहे आप हाउसवाइफ हो, प्रोफेशनल हो, कोई भी कर सकता है। यहां से आप YouTube चैनल बना के, Facebook पेज बना के अर्निंग कर सकते हैं। तो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, जरूर इनरोल करें, और कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं कि अगले वीडियो में, जिसमें आपको सिखाएंगे कि कैसे आप ऑनलाइन अर्निंग करेंगे अलग अलग तरीकों से। तो कल तक के लिए अपना ख्याल रखें, वंदे मातरम, धन्यवाद, बाय बाय।